दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो विप्रो ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है, बहुत ही जबरदस्त और बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है विप्रो से, यूएस के मार्केट से। क्या है वो न्यूज उसको जानेंगे, साथ में यहाँ पे इंडिया में विप्रो एफएमसीजी सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले। आपको पता होगा इनका कंज्यूमर और लाइटिंग का डिवीजन तो है, अब ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहती है और इसके लिए उन्होंने एक बड़ी कंपनी को एक्वायर किया है। तो क्या है खबर उसको जानेंगे और विप्रो से एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उसको भी समझेंगे। वैसे अगर आप देखें तो विप्रो कंपनी जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रहे, चाहे आईटी का बिजनेस हो, चाहे कंज्यूमर केयर हो या लाइटिंग, सभी सेक्टर में बहुत सारे एक्विजिशन कर रहे और लगातार एक नई टीम भी तैयार कर रहे, मैनेजमेंट नया आ रहा है और ये जो सारी बातें ये साबित करिए कि आने वाले समय में विप्रो दूसरे आईटी सेक्टर के शेयरों को पीछे छोड़ के बहुत ऊपर तक जा सकता है और जो इसकी प्राइस अभी इस समय काफ़ी डिस्काउंट में मिल रही है, ये एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है अगर इस समय हम इन्वेस्टमेंट करें तो। और वैसे भी विप्रो लगातार अच्छा बोनस भी देती है, तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक बहुत नीचे है, 740 के ऊपर जाके स्टॉक इस समय 400 से नीचे मिल रहा है, तो क्या इसमें दाव लगाना चाहिए। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को देखें तो 389 पर स्टॉक की क्लोजिंग देखी हमने, जहां पे 0.22% की तेजी देखने को मिली। आपने देखा होगा बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद भी विप्रो ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब आप देख सकते हो कि इसने काफ़ी ज़्यादा गिरावट के बाद में एक पॉजिटिव माहौल बनाना शुरू किया है, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे, पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो इसमें हमें 43% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यह है कि बाजार में एफआई ने आज फिर से खरीदारी शुरू कर दी है। आप देख सकते हो अंतिम उन्होंने 14 दिसंबर को 372 रुपीज़ की खरीदारी की थी, उसके बाद में 15 दिसंबर को उन्होंने 710 रुपीज़ की बिकवाली की, 16 दिसंबर को उन्होंने 1975 रुपीज़ का अपना माल बेचा और 19 दिसंबर यानी कल उन्होंने 538 रुपीज़ की बिकवाली की, लेकिन आज उन्होंने 455 रुपीज़ की खरीदारी की। और जिस तरह से बाजार में एफआई की तरफ से खरीदारी शुरू हुई है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि एक तरफ तो आप देखें तो यूएस में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है जिस वजह से वहाँ पे कोई निवेश करना पसंद नहीं कर रहे, दूसरी तरफ यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, रसिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से वहाँ पर भी निवेश के लिए अनुकूल जगह नहीं है। चाइना के अंदर देखें तो कोरोना ने एक विकराल रूप धारण कर लिया, लोग वहाँ पे अब बहुत तेज़ी से मरने शुरू हो गए और इस वजह से लोग वहाँ पर भी निवेश नहीं करें, तो ऐसे में विश्व के बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनको इंडिया सब जगह से सुरक्षित लग रहा है और ऐसे में निवेश आना शुरू हो चुका है। आने वाले समय डेफिनेटली अब इंडिया में शानदार तेज़ी आ सकती है। अब यहाँ पे विप्रो को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, विप्रो ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया है, डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड इंडेक्स यानी DJSI के अंदर शामिल कर लिया गया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है विप्रो के लिए। तो यहाँ पे इस इंडेक्स में शामिल होने के लिए रेस में 3519 कंपनीज थी अलग अलग, जिसमें से आप देख सकते हो कि 332 कंपनीज है जो इस इंडेक्स के अंदर शामिल होने में कामयाब रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो आईटी सेक्टर की भी 78 कंपनीज थी जो इसमें इन्होंने भाग लिया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 कंपनियों को ही सिलेक्ट किया गया है, तो उस 10 कंपनियों में विप्रो शामिल है। ये बहुत बड़ी बात है विप्रो के लिए। अब इस मौके पे विप्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थियरी डेलपोर्टे का बड़ा बयान निकल कर आया, उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि हमें S&P डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में जगह मिली है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और जिस तरह से हमारे बिजनेस और हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देकर हमें इसमें जगह दी गई है, ये हमारे जो गोल है उसको अचीव करता है और आने वाले समय में हम एक नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमेशा अपनाते रहेंगे, जिसकी वजह से आने वाले समय में हमारे क्लाइंट को और सारा बेनिफिट मिल सकता है। साथ में विप्रो के लिए एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट हुआ है, विप्रो को यहाँ पे देख सकते हो कि लीडर इन ISG प्रोवाइडर लेंस 2022 के लिए सिलेक्ट किया गया है, यानी विप्रो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लीडर बनके उभरा है। अब ये जो सर्विस सॉल्यूशन है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड के लिए, जहाँ पे लीडर बनी है विप्रो लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिलहाल विप्रो की पोजीशन लीडर की है, जो 5 सेगमेंट है उसमें से 4 सेगमेंट में विप्रो ऑलरेडी लीडर बन चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो वर्क प्लेस स्ट्रेटजी ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस, मैनेजमेंट वर्क प्लेस सर्विस, एंड यूजर टेक्नोलॉजी, लार्ज अकाउंट डिजिटल सर्विस, इस तरह की जो सर्विस है उसमें एक तरह से आप देख सकते हो US के मार्केट में विप्रो लीडर बन चुकी है। तो ये विप्रो के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो आप ये समझ ही सकते हो कि आने वाले समय विप्रो कमाल करेगा। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, विप्रो कंज्यूमर अब स्पाइसेस के बिजनेस में भी एंट्री कर चुके हैं और इन्होंने निरपारा कंपनी को एक्वायर किया, केरला की यह कंपनी है। निरपारा की बात करें तो ये केरला की कंपनी जो ट्रेडिशनल फूड बेचती है और कंपनी स्पाइसेस के बिजनेस में बहुत सालों से है, रेडी टू कुक बिजनेस बेचने वाली है कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब विप्रो 70,000 करोड़ के स्पाइसेस मार्केट में भी, यहाँ पे देख सकते हो कि विप्रो 70,000 करोड़ के स्पाइसेस के मार्केट में भी एंट्री कर चुके और आने वाले समय में वो डाबर
ITC और दूसरी सेगमेंट की जो कंपनियां उनको अब टक्कर दे पाएगी। तो आप देख सकते हो इस मौके पे विनीत अग्रवाल जो CEO है विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग डिवीजन के, उनका कहना है कि निरपारा ये हमारा 13वां एक्विजिशन है। इससे पहले हमने काफ़ी ज़्यादा एक्वायर किए कंपनियां, जिसकी वजह से हमारा जो फूड डिवीजन और स्पाइसेस डिवीजन में हमारा काफ़ी मजबूत एक कदम बढ़ रहा है, और आने वाले समय में इस सेगमेंट में हम और भी एक्विजिशन करेंगे, बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हो कि IT के बाद अब कंपनी FMCG सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और आपको ये भी पता होगा कि इनका विप्रो का जो संतूर सोप है वो तो बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और 2-3 राज्यों में तो नंबर 1 है सेल के मामले में। और इसी तरह से अब बहुत सारे जो प्रोडक्ट है अब लॉन्च होने वाले हैं विप्रो के। और इसी मौके पे देखें तो अनिल चुग जो प्रेसिडेंट है फूड बिजनेस विप्रो के, उनका कहना है कि आने वाले समय में हम हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको ट्रेडिशनल फूड से रूबरू करवाएंगे, और एक अलहदा क्वालिटी और एक हर तरह से हटके क्वालिटी मिलने वाले कस्टमर को। यानी आप देख सकते हो स्पाइसेस के मार्केट में बहुत सारी कंपनियां, लेकिन हमारे प्रोडक्ट दूसरों से हटके होंगे और लोगों को अच्छी चीज़ें मिलेगी। तो कुल मिला के देखो विप्रो ने काफ़ी बड़ा स्टेप उठा लिया है। निरपारा की बात करें, यह कंपनी 1976 में बनी, बहुत ही पुरानी कंपनी है और एक बड़ा नाम है स्पाइसेस के मार्केट में। इसके अलावा कंपनी आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा राइस पाउडर बनाती है, इसके लिए साउथ इंडियन ट्रेडिशनल फूड है उसके लिए प्रोडक्ट काफ़ी बना के देती है। निरपारा कंपनी के बिजनेस की बात करें तो 63% बिजनेस पूरा इनका केरला से आता है, 8% का इंडिया के दूसरे स्टेट से आता है, और इसके अलावा 29% बिजनेस है जो इंटरनेशनल मार्केट से आता है। तो कंपनी का काफ़ी मजबूत इंटरनेशनल मार्केट में भी नाम है, और इसी वजह से काफ़ी बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि विप्रो कंज्यूमर केयर और लाइटिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल चुग का कहना है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि हम स्पेसेस के मार्केट में और तेज़ी से आगे बढ़े। तो ये समझ सकते हो कि आने वाले समय विप्रो में काफ़ी शानदार तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। दूसरे पर एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रहा है, विप्रो आने वाले समय में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं D2C स्टार्टअप इकोसिस्टम में। तो विप्रो ने ठान लिया है कि फूड डिवीजन में तेज़ी से आगे बढ़ना, और इसीलिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टार्टअप सर्विस शुरू कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये 2023 तक इनकी सर्विस शुरू हो जाएगी। ऐसे में डायरेक्ट लोगों से कनेक्टेड होंगे और इनके जो फूड प्रोडक्ट है वो उनको मिल पाएंगे, यानी एक तरह से देखिए तो पूरी चेन बनाई जाएगी। ये कहना है विनीत अग्रवाल का कि हम आने वाले समय में हमारे जो फूड के प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचाएंगे, और इसके लिए हम एक पूरा इको सिस्टम तैयार करें, उसके लिए स्टार्टअप तैयार करने वाले हैं। तो कुल मिला के जो विप्रो की तरफ से लगातार ये जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इशारा करिए कि यही मौका है आप विप्रो में इन्वेस्टमेंट करें, आने वाले समय विप्रो आपको मालामाल कर देगा। और आपको यह भी पता होगा कि विप्रो लगातार बहुत अच्छा बोनस देती है, बोनस का बादशाह इसको कहा जाता है, और अच्छा डिविडेंड कंपनी लगातार देती है। तो ऐसे में इस गिरावट को आपको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी फेयर वैल्यू में स्टॉक मिल रहा है, लगभग 43% के डिस्काउंट में एक साल के हिसाब से, तो निवेश यहाँ पर किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ, आप देख सकते हो 94% बाइक की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, 1% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब यह है कि 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद करें, जो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक बिल्कुल दौड़ेगा, और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको इस समय विप्रो में निवेश करना चाहिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाड़ी ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।